भोजपुरी इंडस्ट्री को आज काफी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे बेहद ही कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई है। एक्ट्रेस अपने गानों और अदाकारी को लेकर इंडस्ट्री में खूब पॉपुलर थी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का आज अचानक इस दुनिया से विदा ले लेना हर किसी को परेशान कर दे रहा है। आकांक्षा दुबे के निधन की खबर से पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। आकांक्षा दुबे महज 24 साल की उम्र में नाम और शोहरत दोनों कमा लिए थे। वह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ भी काम कर चुकी थी। बताया जा रहा कि आकांक्षा दुबे वाराणसी के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे एक बड़ा नाम बन चुकी थी। वह एक फिल्म का लाखों रुपए चार्ज किया करती थी। रिपोर्ट्स की माने तो खूब नाम और काम पा रही आकांक्षा दुबे एक फिल्म के लिए अब 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक की फीस लेती थी। आकांक्षा दुबे जमकर काम करती थी। वह एक महीने में करीबन 60 से 70 हजार रुपया कमा लेती थी। आकांक्षा दुबे की नेटवर्क की बात करें तो वह अपने दम पर करीब 25 से लेकर 35 लाख की संपत्ति बना चुकी थी। वहीं आकांक्षा दुबे के अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से स्तब्ध दिख रही है। आकांक्षा दुबे ने हाल ही में पवन सिंह के साथ गाना भी शूट किया था। आकांक्षा का पवन सिंह के साथ गाना आरा में हारा अभी रिलीज भी नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीती रात तो आकांक्षा अपने नए गाने की प्रमोशन करती दिख रही थी और सोशल मीडिया पर अपने नए गाने के लिए उन्होंने एक पोस्ट भी किया था। दरअसल आपको बताते चले कि महज 24 साल की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने बहुत ही कम उम्र में फिल्मी जगत में नाम कमा लिया था। मिर्जापुर से लेकर मुंबई तक का सफर तय करके एक्ट्रेस ने खूब सारे फैंस बना लिए थे, लेकिन उनके निधन की खबर ने सभी फैंस और परिवार वालों को झकझोर दिया है। आखिर क्या वजह थी, या जांच का विषय है कि आखिर क्या वजह थी कि मात्र 24 साल की उम्र में इतना नाम और शोहरत कमा चुकी आकांक्षा दुबे को आत्महत्या करनी पड़ी। कहीं उनके साथ कोई परेशानी ही तो नहीं थी। हालांकि इसको लेकर पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है और वह सिर्फ आत्महत्या का मामला ना मानकर इस पर आगे कार्रवाई करेगी और जांच करेगी कि कहीं कोई और मामला तो नहीं है। भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की आत्महत्या की खबर दरअसल वाराणसी से आई है। आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी स्थित सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल से बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री वाराणसी में भोजपुरी फिल्म नायक की शूटिंग कर रही थी। अभी तक आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। आकांक्षा से पहले भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री रूबी सिंह ने 12 साल पहले मुंबई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अंजलि श्रीवास्तव भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल इससे पहले भी कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों की आत्महत्या की खबरें आई थी। कहीं ये कोई कास्टिंग काउच का तो मामला नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी सिनेमा जगत, हर जगह से इस रंगीन दुनिया के पीछे एक काली दुनिया है जहां पर अभिनेत्रियों के साथ काम के बदले शारीरिक शोषण की भी खबरें आती रहती है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी कई सारी भोजपुरी एक्ट्रेस ने डायरेक्टर और फिल्म निर्देशक और निर्माताओं पर शोषण का आरोप लगा चुकी है। आपको बताते चले कि एक्ट्रेस की मौत से कुछ घंटे पहले तक उन्होंने एक इंस्टाग्राम लाइव किया था। लाइव वीडियो में उन्होंने रोते हुए कई लोगों ने देखा। अब उनके फैंस ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस घटना के बाद खुदकुशी कर ली। और बताया जा रहा कि आकांक्षा दुबे किसी परेशानी में थी और शायद उनको कोई ब्लैकमेलिंग भी कर रहा था। हालांकि ये जांच का विषय है। इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।